हेलो दोस्तों, दोस्तों एनएशियल केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लिकुरिया के बारे में। लिकुरिया को सामान्य भाषा में सफेद पानी या श्वेत प्रदर भी कहा जाता है। वो स्त्रियों में होने वाले एक आम बीमारी है। उसमें जोनी से सफेद रंग का गाढ़ा और दुर्गंध युक्त पानी निकलते हैं। किसी तरह का इन्फेक्शन होने पर स्राव पीले, हल्के नीले और हल्के लाल रंग का और बहुत ही चिपचिपा एवं बदबूदार होता है। वो किसी जोनी या गर्भाशय से संबंधित रोग का लक्षण भी हो सकते हैं। लिकुरी का उपचार ना करने पर महिलाओं को सस्त कमजोर हो सकते हैं। अलग अलग महिलाओं में स्राव की मात्रा अलग अलग होती है। उसके कारण प्रजनन अंगों में सूजन आ जाती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मासिक धर्म और गर्भावस्था में सफेद पानी आना सामान्य प्रक्रिया होते हैं। दोस्तों जोनि गर्भ से आने वाले पानी का रंग पीला आहरा होता है तो वो जोनि संक्रमण का संकेत हो सकते हैं, जो आगे चलकर कई और बीमारियों को उत्पन्न कर सकते हैं। सफेद पानी लिकुरिया के कुछ लक्षण: पेट के निचले हिस्से और गांठों में दर्द होना, बार बार पेशाब होना, जोनि के आसपास खुजली होना, शारीरिक संबंध के दौरान दर्द महसूस होना, थकावट ज्यादा रहना और सुस्ती लगना, कब्ज होना, कमजोरी के साथ शरीर में एठेल होते रहना एवं कमर दर्द की समस्या लगातार बने रहना। सफेद पानी या लिकुरिया दूर करने का कुछ घरेलू उपाय। नंबर वन, क्रैनबेरी। दोस्तों क्रैनबेरी लिकुरिया को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि क्रैनबेरी को जीवाणु विरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाते हैं, जो कई तरह के इन्फेक्शन को खत्म करने में मददगार होते हैं। लिकुरिया का इलाज के लिए क्रैनबेरी एक रामबन घरेलू नुस्खे है। उसके नियमित सेवन से जोनि की भीतरी दीवारों पर बैक्टीरिया को बनने से रोकता है, जिससे लिकुरिया से छुटकारा पाना आसान हो जाते हैं। उसके लिए एक गिलास क्रैनबेरी का जूस दिन में 2-3 बार पिए। उसके अलावा आप सूखे क्रैनबेरी का भी सेवन कर सकते हैं। नंबर टू, अंजीर। दोस्तों लिकुरिया को दूर करने में अंजीर मददगार होता है, क्योंकि अंजीर बॉडी डिटॉक्स के रूप में काम करते हैं और उसके सेवन से हानिकारक विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे सफेद पानी के उपचार में मदद मिलती है। उसके लिए रात को सोने से पहले एक गिलास पानी में 2-3 सूखी अंजीर भिगोकर रख दें। अगले दिन सुबह उन भीगे हुए अंजीर को पानी में मिलाएं और खाली पेट पी लें। नंबर थ्री, मेथी। दोस्तों मेथी के बीजों से सफेद पानी की समस्या दूर करने में मदद मिलती है। उसकी सेवन से महिलाओं की जोनी में पीएच का उचित स्तर बनाए रखने के साथ एस्ट्रोजन के बेहतर लेवल बनाए में मददगार होता है। मेथी का एक और लाभ वो है कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। उसके लिए एक चम्मच मेथी के बीज को रात को पानी में भिगोकर छोड़ दे। सुबह पानी अलग करके आधा चम्मच शहद मिलाकर बिना कुछ खाए पानी को पी ले। नंबर फोर, केला। दोस्तों केले का नियमित सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। उसके सेवन से पाचन संबंधित समस्या दूर होने के साथ साथ सफेद पानी आने की समस्या दूर करने में मदद मिलती है। इसीलिए प्रतिदिन 1 से 2 केला सुबह खाली पेट खाना लिकुरिया के लिए फायदेमंद होता है। नंबर फाइव, भिंडी। दोस्तों भिंडी की सब्जी हमारे घरों में हमेशा सेवन किया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि भिंडी लिकुरिया के इलाज के लिए एक रामबन घरेलू नुस्खे है। उसके लिए 100 ग्राम भिंडी ले और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। अब इन काटे हुए भिंडी के टुकड़ों को आधा लीटर पानी में डालकर तब तक उबाले जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। अब उसे ठंडा कर ले और उन्हें 3 हिस्सों में बांटकर उसका एक हिस्से को थोड़ा शहद मिलाकर सेवन करें। उसके सेवन दिन में 3 बार करें। कुछ ही दिनों में लिकुरिया की समस्या से छुटकारा मिलेगी। नंबर सिक्स, अनार। दोस्तों अनार का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि अनार कई औषधि गुणों से भरपूर होता है। उसके अलावा अनार के दानों के साथ अनार के पत्ते और छाल भी कई रोगों के दूर करने में मददगार होती है। सफेद पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्रतिदिन अनार का ताजा जूस 1 गिलास प्रतिदिन पिए। उसके अलावा 30 अनार की पत्तियों और 10 काले मिर्च लेकर अच्छे से पीस ले। अब उस पेस्ट को 1 गिलास पानी में मिलाए और पिए। उसके नियमित दिन में 2 बार सेवन करने से आशातीत लाभ होता है। नंबर 7, अमरूद। दोस्तों अमरूद का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। उसके सेवन से पेट साफ रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अमरूद की पत्तियों भी हमारे लिए कम फायदेमंद नहीं होते हैं। जिन महिलाओं को लिकुरिया की समस्या है
उसके लिए वो काफी मददगार होता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अमरूद की कुछ ताजा पत्तियों को 1 लीटर पानी में डालकर तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। पानी ठंडा होने पर इस पानी को पिए, सफेद पानी की समस्या कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। ऐसे ही लाइफस्टाइल स्वस्थ और सुंदर से जुड़ी वीडियो प्रतिदिन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।